ओके गाइस, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एमसीओ 4 से रिलेटेड, राइट? बिजनेस एनवायरनमेंट, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। टॉपिक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड एंड व्हाट वेज आर अडॉप्टेड टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना? तो कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं हमारे इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस या फिर पोस्ट रिफॉर्म जो हुआ था, उसके बाद के क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं जो हम लोग हासिल करना चाहते हैं बाय इंप्लीमेंटिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और उसको अचीव करने के क्या क्या तरीके जो है हम लोगों ने अपनाए हैं, उसके बारे में ये पूरा लेक्चर होने वाला है, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये इनका तीन जो है एक तरीके से गोल था या फिर एक तरीके से ऑब्जेक्टिव था। पहला क्या था? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ वो सस्टेनेबल हो, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ फिर दूसरी बार नहीं हुआ, ऐसा ग्रोथ जो कि कॉन्टिन्यूस चलता रहे, दैट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? दूसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री जो है हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री तैयार हो, वो एक काम हो गया। तीसरा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब आप अगर इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो डेफिनेटली जो खासकर जब एलपीजी हुआ 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके कारण से बहुत सारी कंपनीज जो है बाहर की वो इंडिया में आई। तो जो बाहर की कंपनीज इंडिया में आ रही थी वो बहुत ज्यादा समृद्ध थी, वो बहुत ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में या कैश इनफ्लो के मामले में बहुत पैसे उन लोगों के पास थे। तो वो लोग इंडिया में आकर के जो इंडियन बिजनेस था उसको स्पॉइल करना दे, इसकी वजह से इंडियन जो गवर्नमेंट थी, जो इंडस्ट्रीज थे, वो लोग इस चीज के ऊपर काम कर रहे थे कि उनका जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बना रहे, ग्लोबल प्लेयर्स के साथ वो लोग ठीक तरीके से कॉम्पीट कर पाए। एंड दैट इज वाई दे हैव लाइक इंट्रोड्यूस्ड वेरियस थिंग्स जो कि हम लोग आगे जाकर के अभी देखेंगे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम टू अलाइन विद द चेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप। जैसे जैसे समय बदल रहा है, इकोनॉमिक लैंडस्केप में चेंजेस आ रहे हैं, वैसे वैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने पॉलिसीज में इवॉल्व भी कर रही है, नई नई चीजें वहां पे ऐड की जा रही है और खुद को करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है तैयार किया जा रहा है। हियर आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड एंड द वेज अडॉप्टेड टू अचीव देम, ठीक है ना? तो यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लोग एक एक करके करेंगे। जो भी मैंने तीन बताई है ऊपर वाली, उसी को फिर वापस से बताया गया होगा डिटेल में, लेकिन पॉइंट्स ज्यादा होंगे तो उसी को वहां पे वापस से हम लोग करेंगे। एंड उसको कैसे अचीव करना है वो भी जो है साथ में हम लोग करने वाले हैं। तो पहला है प्रमोशनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आप प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आप अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को किस तरीके से प्रमोट करेंगे, ये यहाँ पे है ना? ऑन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज टू फोस्टर रोबस्ट, है ना, रोबस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ अक्रॉस सेक्टर्स, जितने भी सारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो फॉर वेरियस थिंग्स, उन सभी के सभी सेक्टर्स में जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो सके, रोबस्ट तरीके से हो सके, ये इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिस इज अचीव थ्रू मेजर्स सच एज प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरमेंट। ये चीजें अचीव की जा सकती है बाय प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरमेंट, एक प्रॉपर बिजनेस एनवायरमेंट जहां पे बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, प्रोमोटिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज को पार्टिसिपेट करने देना गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज के साथ, क्योंकि अभी के टाइम पे आपको पता है कि इंडिया में पीपीपी मॉडल के ऊपर काफी काम चल रहा है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पहले के टाइम पे सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज हुआ करती थी, सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन थे, उसकी इंडस्ट्रीज थी, लेकिन बाकी आने वाले समय में 1991 में क्या देखा गया कि इंडिया ने जो है अपनी पॉलिसी को लिबरलाइज कर दिया और प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका दिया। तो पीपीपी मॉडल के ऊपर काफी काम चल रहा है, अभी भी बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन सारे सेक्टर्स में जो है एफडीआई की मंजूरी दे दी गई है, तकरीबन सारे सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स 49% तक शेयर खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट में कंपनीज की बात कर रहा हूँ,
वहां पे 49% तक शेयर वो लोग खरीद सकते हैं। तो ये जो है चीजें की गवर्नमेंट गई हैं ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस तरीके से हो सके। कंपनी क्या क्या सर, गवर्नमेंट कंपनी में 49% शेयर हम लोग ये कर सकते हैं। यस यस यस, जैसे कि आपका LIC हो गया, LIC में आपको पता है कि अभी 10% जो है हम लोग छोड़ दे रहे हैं, मतलब 10% का जो है शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया। बिकॉज हेलो, दे विल कीप 51% फॉर ओनरशिप ना सर, हाँ 51% जिसके पास दे होगा ओनरशिप उसके पास होगी। तो गवर्नमेंट जितनी भी सारी कंपनीज है जो PSUs है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो बोलते हैं, चाहे ONGC हो गया या आपका LIC हो गया, LIC में हालांकि अभी 10% ही है, या फिर डिफेंस सेक्टर की जितनी भी सारी कंपनीज है, डिफेंस इंश्योरेंस हो गया, ये सारे टेलीकॉम सेक्टर ले लो, गवर्नमेंट का BSNL है ना, BSNL में हालांकि उसका शेयर नहीं हुआ है लेकिन स्टिल BSNL में भी, BSNL को भी बेचने की बात हो रही है। तो BSNL अगर बिकेगा तो जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वो BSNL को एक्वायर कर लेंगे, उसके शेयर्स को एक्वायर कर लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप वोडाफोन का आपने नाम सुना होगा, वोडाफोन जो अभी VI बन गया है, वोडाफोन इंडिया बन गया है, तो वोडाफोन आइडिया एक्चुअली, तो पहले के टाइम पे ना वो हच के नाम से जाना जाता था इंडिया में। हच जो है उसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि बाहर की कंपनी आकर के उसको एक्वायर कर सके। तो वोडाफोन जो कंपनी है वो इंग्लैंड की कंपनी है, उसने आकर के पूरा का पूरा हच जो है उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट अलाउज कर रही है कि गवर्नमेंट की कंपनी को भी बेचनी है, जैसे अभी आपने BPCL का नाम सुना होगा, राइट, BPCL के भी शेयर्स बिक रहे हैं। जितनी भी सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उन सब के शेयर्स जो हैं वो धीरे धीरे करके बिकेंगे, और प्राइवेटाइजेशन जो है धीरे धीरे करके होगा, हर एक सेक्टर में होगा, ठीक है। हमारी जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये थोड़ी सी जल्दबाजी में है, तकरीबन सारी चीजें ये लोग सेल कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं, हालांकि LPG जो स्टार्ट हुआ था हमारा 1991 में स्टार्ट हुआ था कांग्रेस के टाइम पे, लेकिन तभी से वो लोग जो है धीरे धीरे करके अपने जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज थी उनको वो लोग सेल कर रहे थे, सेल कर रहे थे या उनको उनके शेयर्स को प्राइवेटाइजेशन जो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके हाथ में दे रहे थे। लेकिन अभी के टाइम पे बहुत तेज हो गया है ये सारा चीज बहुत तेज हो गया है। सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जरूरी भी है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स के पास पैसे हैं, गवर्नमेंट के पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो लोग किसी भी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च कर सके, क्योंकि उनको और भी बहुत सारे सेक्टर्स देखने हैं। तो प्राइवेट प्लेयर्स को इसलिए ही लाया जाता है ताकि वो लोग पैसे और टेक्नोलॉजी दोनों लेकर के आएंगे और बेहतर तरीके से जो है वो काम कर पाएगा जो इंडस्ट्री है, ठीक है। तो वो हो गया, तो दिस इज अचीव थ्रू मेजर्स सच एज प्रोवाइडिंग अ कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड एनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो गवर्नमेंट FDI के ऊपर भी काफी काम कर रही है, कह रही है कि आप बाहर से पैसे लेकर के आओ, जो बाहर की कंपनीज है वो इंडिया में ला करके इंडियन कंपनीज में पैसे लगा रही है। आपने HDFC का नाम सुना होगा, HDFC का भी रिसेंटली एक चाइनीज कंपनी थी, 2% शेयर उन लोगों ने खरीदा, बवाल मच गया था कि चाइनीज कंपनी को अलाउ क्यों किया गया कि वो HDFC के शेयर खरीद सके 2%। तो उसके बाद से गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक तरीके से एक विंडो लगा दिया है कि कोई भी अगर इस तरीके का FDI आएगा बाहर से, इंडियन बड़ी कंपनीज को अगर वो लोग टारगेट करेंगे तो उसको जो है एक तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। अभी आपने अमेजन और रिलायंस का लफड़ा सुना ही होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये अमेजन और रिलायंस के बीच में बिग बाजार को लेकर के प्रॉब्लम हुआ था। बिग बाजार जो है अपने सारे शेयर्स को सेल कर रही थी, बिग बाजार अपने सारे आउटलेट्स वगैरह सबको सेल कर रही थी, तो यहाँ पे अमेजन का कहना था कि वो रिलायंस के पास क्यों जाएगा, वो तो मेरे पास जाएगा, क्योंकि अमेजन के पास बहुत सारा शेयर जो है ऑलरेडी था। लेकिन अभी आप अगर जाओगे तो बहुत सारा जो बिग बाजार का जो स्टोर है वो सारा स्मार्ट बाजार बन गया है, वो सारा का सारा शेयर जो है रिलायंस के पास चला गया, रिलायंस के पास सब कुछ, रिलायंस के पास है, अमेजन के पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर अमेजन के पास होता तो ये जो स्मार्ट बाजार है वो अमेजन फ्रेश के नाम से जाना जाता, अमेरिका में ऑलरेडी अमेजन चल रहा है, जैसे पहले ये लोग ऑनलाइन थे अब ये लोग ऑफलाइन अपना प्रेजेंस बना रहे हैं, ठीक है, ये एक्सपेंड कर रहे हैं ये लोग। जस्ट लाइक डी मार्ट और डी मार्ट। हाँ डीमार्ट तो हालांकि राधा कृष्ण दमानी का है, तो डीमार्ट फिर भी उतना बड़ा प्लेयर, हालांकि काफी बड़ा प्लेयर है, बोलना गलत होगा उतना सर बड़ा अमेजोन प्लेयर नहीं है कहाँ की कंपनी जी। है? सर अमेजोन ये कहाँ की कंपनी है? अच्छा Amazon US की है, Amazon ओके। US की है, फ्लिपकार्ट हमारे इंडिया का था लेकिन उसको फिर वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया। तो ये सारी चीजें जो एक्वायर करने का काम चल रहा है ये किस पॉलिसी के तहत चल रहा है, ये सारा FDI के तहत चल रहा है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है हाँ ये उसके थ्रू ही होता है।
Now, the government has implemented various initiatives to attract investment, simplify regulations, and facilitate ease of doing business. ये जो टर्म है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर एक रैंकिंग निकलती है, उसमें इंडिया की रैंकिंग जो है पहले 80 के आसपास हुआ करती थी, अभी के टाइम पे 48 49 के आसपास है। मतलब हम लोग और बेहतर तरीके से एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए अपने रेगुलेशंस को आसान करते जा रहे हैं, विंडो को बड़ा करते जा रहे हैं। जैसे बाहर से अगर किसी इंडियन कंपनी में किसी को इन्वेस्ट करना होता था तो उसके लिए उन लोगों को 4 5 6 महीने का वक्त लगता था, लेकिन अभी के टाइम में वो 1 महीने 2 महीने में हो जाता है। तो इससे क्या है कि बाहर की कंपनीज इंडिया में आना चाह रही है क्योंकि उनको आसानी से एक्सेस मिल जा रहा है। और इसका नुकसान भी है, नुकसान ये है कि जो इंडिया की कंपनीज होंगी उनके पास कंपटीशन करने के लिए उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो लोग बाहर की कंपनीज के साथ कंपीट कर सकें। तो जब बाहर की कंपनीज इंडिया में आ रही हैं तो हम लोग फिर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे वीवो ले लो, ओप्पो ले लो, ये जितने भी मोबाइल फोन के जितने भी सारे ब्रांड्स हैं उसमें से एक भी इंडियन नहीं है। लावा एकमात्र इंडियन है, माइक्रोमैक्स एक था, उसका तो खैर अता पता गायब है। तो जितनी भी सारी कंपनीज है वो बाहर की है। अब जब बाहर की सर कंपनीज लावा आ रही है भी तो तो उतना कोई परचेज नहीं करता आई थी, है ना? हाँ वही ना बात है। तो जो इंडियन कंपनीज है वो उतना मार्केट बना नहीं पा रही है क्योंकि बाहर की कंपनीज काफी ज्यादा, मतलब एक तरीके से मार्केट उन लोगों ने ऑलरेडी कैप्चर करके रखा हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम है, जब हम लोग एफडीआई की बात करते हैं तो ये एक प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है इनहेंसिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, आपको अगर कंपीट करना है तो आपको ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि ग्लोबली बिके। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में बिके बल्कि इतना ज्यादा बनाओ और इतना बेहतरीन क्वालिटी का बनाओ कि वो बाहर भी जाकर के बिके। ठीक है, प्लस जो इंडियन कंपनीज हैं उनको बेहतर क्वालिटी के इसलिए भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि बाहर से जब कोई कंपनी आएगी तो डेफिनेटली उनका प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो आप अगर अपना कॉम्पिटिटिवनेस बना करके नहीं रखोगे तो आप बाहर हो जाओगे गेम से। ठीक है, तो खुद का कॉम्पिटिटिवनेस बना करके रखना बहुत जरूरी है। अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू इनहेंस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, है ना। पहले के टाइम पे ना इंडियन प्रोडक्ट्स को लोग रिजेक्ट कर देते थे ये बोल करके कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन अभी के टाइम पे काफी काम चल रहा है, रिसर्च काफी ज्यादा किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी इंडिया में काम चल रहा है, जिसके कारण से अब जाकर के जो है इंडियन कमोडिटीज को या इंडियन प्रोडक्ट्स को लोग लेना पसंद करते हैं, हमारे प्रोडक्ट बाहर में जाते हैं। एक्सपोर्ट जो है हमारा काफी बढ़ा है पिछले समय से, लेकिन स्टिल हम लोग काफी अभी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो टू अचीव दिस गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रिसर्च। ये बहुत जरूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो बेहतर चीजें आप बना नहीं सकते। और कोई भी चीज अभी के टाइम पे ना वो, मतलब क्या बोले, आता है और जाता है, ऐसा कंडीशन हो गया है। कोई भी चीज आता है कुछ टाइम के लिए मार्केट में रहता है, फिर वो गायब हो जाता है, फिर आपको कुछ नया लाना पड़ता है। हर साल लाखों फोन इंडिया में रिलीज होते हैं, मतलब ऐसा कंडीशन है कि हर साल लाखों फोन रिलीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुराना वाला कोई लेना नहीं चाह रहा। तो ट्रेंड है ये एक्चुअली। तो इसके ऊपर खर्च करना बहुत जरूरी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैव बीन एस्टैब्लिश टू अट्रैक्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज एंड प्रमोट एक्सपोर्ट। एसईजी क्या होता है? एसईजी एक्चुअली वो जगह होता है जहां पे एक तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एसईजी की अगर हम बात करें तो इंडिया में जितने भी सारे पोर्ट्स वगैरह हैं, मेजर जो पोर्ट्स हैं जहाँ पे इंडिया से बाहर सामान लेकर के जाया जाता है, वो सारे के सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आएंगे क्योंकि उसको ना स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड किया गया है कि आपको लोन चाहिए आसानी से मिल जाएगा, आपको जगह चाहिए आपको आसानी से मिल जाएगा, ताकि वहां पे जो इंडस्ट्रीज है उसको ग्रो किया जा सके सही तरीके से। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम लोगों ने रेडी करके रखा है ना। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद है प्रमोटिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडिया में जो बैकबोन है किसी भी कंट्री का, बैकबोन जो होता है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ही होता है। बड़े बड़े कंपनीज गिनी चुनी होती हैं, लेकिन जो ये छोटी छोटी मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, कंपनीज होती हैं, ये बहुत बड़े संख्या में होती हैं और इनके पास इंडिया का टोटल जो जो जीडीपी का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हिस्सा है जो लोग ये लोग कैप्चर करते हैं। तो इनके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, इनको डेवलप करना जरूरी है क्योंकि कोई भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस ही आगे जाकर के जो है बड़ी कंपनी बनती है। ठीक है ना, तो उसको प्रमोट करना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एम्स टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, रिकॉग्नाइजिंग देयर क्रूशियल रोल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनका रोल एज एक बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी है। अगर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो जॉब भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा, राइट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है वो ये भी है कि वो लोग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड मेजर्स सच एज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस
एक्सेस टू क्रेडिट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव स्पेसिफाइड टारगेट एट एसएमईज। अब ये ना पूरा 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 का पूरा एक क्वेश्चन हो सकता है। ये जो लाइन मैंने अभी पढ़ा ना कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, एक्सेस टू क्रेडिट प्रोवाइड किया है, उधार बहुत आसानी से मिल जाता है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो ये ना इसके ऊपर एक प्रॉपर क्वेश्चन बन जाएगा 10 मार्क्स का। हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि टेल अस अबाउट व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव दैट दे हैव टेकन टू यू नो टू प्रमोट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है किशन, आकांक्षा समझ में आ रहा है? यस हो सकता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन ही इसके ऊपर आ जाए कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी चीजें जो है की हैं इसको प्रमोट करने के लिए। ये अलग से एक क्वेश्चन बन सकता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को प्रमोट हाँ करने नहीं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ना क्या क्या किया। ठीक प्रमोट करने है, ये तीसरा पॉइंट एक ओके तरीके से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, ओके सर या फोर्थ पॉइंट है एनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमको लोगों को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अलाउ कर रही है कि बाहर से कंपनीज इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करें। ठीक है, सो एफडीआई प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एफडीआई का होना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। जो कोई बात बोली गई है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जब आप कोई सामान बाहर से खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, टेक्नोलॉजी आप खरीदेंगे, तो वो लोग क्या होगा, वो लोग उसको चलाने के लिए, उसको यू नो एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए बाहर से लोग भी भेजेंगे, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। जब इंडिया में लैपटॉप वगैरह, लैपटॉप नहीं कंप्यूटर वगैरह नहीं था, तो इंडिया में किसी को कंप्यूटर चलाना आता नहीं था, तो 1984 में जो है कंप्यूटर वगैरह जो है पहली बार इंडिया में आया, अभी और जब वो अब आता आया है। तो चलाना तो आपको आता नहीं है, तो बाहर से लोगों को लाया गया, प्लस इंडियंस को बाहर भेजा गया ताकि वो सीख करके आए और इंडिया में आकर के उस चीज को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो एफडीआई होने से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है ना, ये सारे फायदे हैं। द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड पॉलिसीज टू अट्रैक्ट एफडीआई अक्रॉस सेक्टर्स थ्रू लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स, है ना, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स जो रेगुलेशन है उसको एक तरीके से लिबरलाइज किया गया है, आसान कर दिया गया है, जिसके जरिए बाहर से जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो रही है। सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स का मतलब क्या हुआ सर जो मीनिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर आप बाहर से इंडिया में पैसे ला रहे हैं तो उसके लिए किसी ना किसी कानून के तहत आपको लाना पड़ेगा, कुछ रूल्स को आपको फॉलो करने होंगे, तो वो जो रूल्स है वही नॉर्म्स है। ठीक है, ओके सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, जो प्रोसीजर जो जो प्रोसेस था उसको आसान बना दिया गया, मतलब आपको 50 जगह से साइन लेने का जरूरत नहीं है, एक जगह से साइन लेंगे उसी से हो जाएगा। ठीक है ना, उस तरह की ओके चीज है। सर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, अगर आप इंडिया में आते हैं तो हो सकता है मैं आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करूं, इंसेंटिव्स मैं आपको दूं, अगर आप 5 लाख का सेल करेंगे तो 10% का आपको जो है इंसेंटिव मिलेगा, आपको 5,50,000 दिया जाएगा। इस तरह से चीजें जो है की जाती हैं ताकि प्रमोट किया जा सके। हम लोग जब अमेजन फ्लिपकार्ट पे कुछ खरीदते हैं तो देखना ना, वो लोग कूपन वगैरह देते हैं, 100 रुपए का कूपन लगा दिया किसी पे, 30 रुपए का कूपन लगा दिया, तो वो लोग इसलिए लगाते हैं ताकि वो लोगों को एनकरेज कर सके कि वो खरीदें। उसी तरीके से गवर्नमेंट जो है बाहर की कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट तरह की चीजें करती हैं, जैसे कि ये वाला हो गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर हो गया, इंसेंटिव प्रोवाइड करना हो गया, कंसेशन देना हो गया, कंसेशन टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, है ना, इस तरह की चीजें की जाती हैं। पांचवा नंबर पॉइंट है प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आल्सो एम्फसाइजेस सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो कि सस्टेन कर सके, कुछ टाइम के लिए सस्टेन कर सके, है ना। अगर नींव अच्छी नहीं होगी और इमारत बन जाएगी तो आप उस इमारत को ज्यादा दिन तक टिका नहीं सकते, तो नींव नींव आपको जी अच्छी बना करके देनी है, साथ ही साथ आपका जो डेवलपमेंट है वो भी सस्टेनेबल और ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए, धीरे धीरे करके बढ़ना चाहिए, है ना। अचानक से प्रॉफिट होना, अचानक से लॉस होना, ये नुकसानदेह होता है। अचानक से अगर आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा ठहर करके सोचना होगा कि भाई सक्सेस तो मिल गया, लेकिन उसको उसके ऊपर काम भी करना होगा, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक दैट, तो वो उस चीज के ऊपर काम करना, इंक्लूसिव इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को इंक्लूसिव करना, मतलब जोड़ना अपने साथ, राइट, जोड़ना। वो चीज हो गई। द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड मेजर्स टू प्रमोट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसी पॉलिसी बना रही है जिसके कारण से आप जो है
जो इन्वायरमेंटली, जो आपका इन्वायरमेंट ही वो ऐसा क्रिएट हो जा रहा है कि आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कर पाओ, आप ऐसे काम कर पाओ जिससे बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म में रन कर सके। एनकरेज रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसा एनर्जी जिसको रिन्यू किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी, उस चीज को एनकरेज करना। जैसे अभी आपने सुना होगा सोलर सोलर पैनल्स के बारे में, राइट? उसको वापस से जी रिन्यू किया जा सकता है, आप बाहर में लगा दीजिए, सूरज का रोशनी उसको मिलेगा, वो वापस से चार्ज हो जाएगा। तो एनकरेज रिन्यूएबल जी एनर्जी एंड इंश्योर सोशल वेलफेयर थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर एक बहुत बड़ा चीज है, आपने इसका नाम भी सुना होगा। सीएसआर एक फंड होता है जो कि हर एक कंपनी अपना क्रिएट करके रखती है अपने प्रॉफिट में से कुछ। ना, इस टाइप से कुछ होता है सर? क्या क्या? गैस स्टैचुएटरी रेशियो इस टाइप से कुछ होता है ना सर? नहीं, ये वो नहीं है, वो तो आप बैंकिंग वाले सेक्टर में चली गई, वो बैंक वाला हो गया, सीआरआर होता है, फिर ओके एसएलआर होता है, बट वो अलग चीज है। ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, अगर आप एक कॉर्पोरेट है, तो जो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी आपको निभाना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल करके समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे स्कूलों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज आकर के स्कूलों के बिल्डिंग वगैरह को बना देती है, वहां पे देखना लिखा हुआ रहता है सीएसआर इनिशिएटिव, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तकरीबन जितनी भी सारी बड़ी कंपनीज है, सारे लोग इसको कर रही हैं। वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल करके जो गवर्नमेंट है उसको दे देती हैं, दान कर देती हैं, या जो सोसाइटी है उसमें उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा काम होता है। कभी कहीं पे बस स्टैंड बनवा दिया, कहीं पे कुछ और कर दिया, इस तरह की चीजें जो है की जाती हैं। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये किया जाता है। छठा पॉइंट है फैसिलिटेटिंग रीजनल डेवलपमेंट। आपके रीजन को डेवलप करना, आपके जिस रीजन में आप रहते हो, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, जो भी रीजन में आप रहते हो उसको डेवलप करना, ये भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक तरीके से उसका ऑब्जेक्टिव है। द पॉलिसी एम्स टू प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बाई एनकरेजिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन बैकवर्ड रीजन, है ना, ये एक तरीके से बैलेंस्ड जो है ग्रोथ प्रोवाइड करना चाहते हैं। जिस भी रीजन में ये लोग काम कर रहे होते हैं, खासकर जो बैकवर्ड रीजन है, उसको किस तरीके से काम किया जा सके, वहां पे किस तरीके से बेहतर किया जा सके, वहां के इन्वायरमेंट को या वहां के समाज को, वो काम जो है ये लोग करते हैं। एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप अगर किसी को जॉब देंगे तो उसी में तो आपका जो है काम आधा से ज्यादा हो जाएगा, है ना। जॉब किसी को मिलेगा, पैसे कमाएगा, वो अपने फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से रख पाएगा। दैट इज वॉट एवरी वन जी ट्राइज टू अचीव, कि वो जो है अपनी फैमिली को सही तरीके से सपोर्ट कर पाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब इंडस्ट्रीज जो है ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, ठीक है। स्पेशल इंसेंटिव्स, टैक्स बेनिफिट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर प्रोवाइडेड टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज इन लेस डेवलप्ड एरियाज। ऐसे डेवलप्ड एरियाज जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, ऐसे एरियाज जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है उसको लेस डेवलप्ड एरियाज बोल सकते हैं, वहां पे अगर इंडस्ट्रीज को लगाना है तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशल इंसेंटिव देती है कि तुम अपना इंडस्ट्री मुंबई में नहीं लगा करके ऐसे जगह पे लगाओ जहाँ पे मतलब लेस डेवलप्ड एरिया है, कोई भी ऐसा एरिया है मतलब, जो हाँ, वहां पे लगाओ। वहां पे आप लगाओगे तो क्या मिलेगा, आपको स्पेशल इंसेंटिव मिलेगा, आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आपको सपोज 30% टैक्स पे करना पड़ रहा है, अगर आप ऐसे एरियाज में इन्वेस्ट करेंगे जो कि डेवलप्ड नहीं है तो वहां पे हो सकता है आपको सिर्फ 10% ही टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट किया जाता है कि आप ये काम करें, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके गाइस, तो अब अगला टॉपिक है टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स वेरियस पॉलिसी मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड। अब इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अगर आपको अचीव करना है तो क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखो, दो चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताई, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ये बहुत ही कॉमन सा चीज है। लिबरलाइजेशन का मतलब ही होता है कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी जैसे कि सपोज मुझे कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, तो उस रूल को हटा देना या उस रूल को आसान बना देना, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरल चीजें करना, अपने पॉलिसीज को लिबरलाइज कर देना, ताकि आप बहुत ही आसानी से बिजनेस को स्टार्ट कर सकें, बहुत ही आसानी से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकें, है ना, दैट इज लिबरलाइजेशन। इंडिया में अगर मैं हिस्ट्री पे जाऊं तो इंडिया में 1991 के पहले इंडिया में तकरीबन 17 तरह के ऐसे इंडस्ट्रीज थी जिसका कंट्रोल डायरेक्ट गवर्नमेंट के हाथ में था,
मतलब गवर्नमेंट ही उस बिजनेस को कर सकती थी जी और कोई प्राइवेट प्लेयर को अलाउ नहीं किया जाता था कि आप वो बिजनेस कर सके। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद उन 17 में से कुछ इंडस्ट्रीज को जो है अलाउ कर दिया गया। जैसे कि मान लो मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस सेक्टर की, इंडिया में डिफेंस सेक्टर के काम अभी भी गवर्नमेंट वाला जो कंपनीज है वही करता है ना। लेकिन आप यूएस में जाओगे तो डिफेंस का काम प्राइवेट प्लेयर्स भी करते हैं, इसलिए वहां पे देखना आपने गोली चलने का जो सीन है, जो शूट आउट है, वो बहुत सुनते हैं हम लोग कि वहां पे गोली चल गया, वहां पे इतने लोगों की जान चली गई, क्योंकि वहां पे जो गन्स है ना वो दुकानों में बिक रहे हैं, ऐसा हालत है। तो इंडिया में हालांकि डिफेंस सेक्टर में उतना लिबरलाइजेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारा सेक्टर जहां जहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था वहां वहां पे गवर्नमेंट ने उसको लिबरलाइज कर दिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा वहां पे इन्वेस्ट कर पाए। प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया गया कि आप भी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट सर, तो रिफॉर्म इंडस्ट्री कोई वर्ड पॉलिसी, सर गवर्नमेंट पॉलिसी की हेलो सर हाँ हाँ सुन बोलिए। कह रहे, कोई भी वर्ड तो गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर ही करना पड़ेगा ना, लिबरलाइजेशन में भी। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट पॉलिसी लेकिन अभी चेंज कर रही है ना। जैसे कि मैं अगर डिफेंस की ही बात करूं, सपोज पहले वो लोग बोलते थे कि जो डिफेंस के आइटम है वो सिर्फ डिफेंस कंपनीज ही बनाएंगी, लेकिन वो लोग क्या करेंगे कि डिफेंस में भी वो लोग अलाउ कर देंगे कि प्राइवेट कंपनीज भी आकर के डिफेंस के काम कर सकती हैं। तुमको करना क्या है, अपने पॉलिसी में थोड़े से बदलाव करने हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन तुमको मानने ही है गवर्नमेंट वाले जो है, लेकिन पॉलिसी में उन लोगों ने बदलाव कर दिया कि चलो बाहर तो के लोग, कहने का मतलब सर, जो प्राइवेट कंपनी वो ही मतलब कि अपने पॉलिसी में कुछ चेंजेस करेगी, है ना? नहीं, प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनीज तो टू बी ऑनेस्ट गवर्नमेंट विल चाहती हैं कि वो कैन ज्यादा से समथिंग, ज्यादा गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके। उनका ओके सर, तो उनका गवर्नमेंट पॉलिसी यही होता है कि वो एक्सपेंड करना चाहती है। अब एक्सपेंड करने के वो लोग प्राइवेट कंपनीज को एक्वायर करती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेन बात है कि देखो। गवर्नमेंट ओके पहले सर, के टाइम पे किसी को अलाउ नहीं करता था कि आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाद में ओके गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि चलो हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम लोग भी करेंगे, आप भी अपना कर लो, आप भी चाहो तो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन पहले के टाइम पे बहुत सारी चीजें करनी अलाउड नहीं थी। 1991 के बाद ही लिबरलाइजेशन जब से आया है तब से इस चीज को किया गया। यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। इंडिया हैव फोकस्ड ऑन लिबरलाइजिंग द इकोनॉमी, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेट हर्डल्स। किसी को भी स्टार्ट करने के लिए आपको ब्यूरोक्रेसी के थ्रू बहुत सारी फाइलें वगैरह पहुंचानी होती हैं, तब जाकर के आपका जो है आपको लाइसेंस वगैरह मिलता है। हाँ, लाइसेंस, लाइसेंस ओरिएंटेड। पहले के टाइम पे आपको लाइसेंस नहीं दिया जाता था, ठीक है। अभी के टाइम पे लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया है। लाइसेंस बहुत ही आसानी से किसी को भी मिल जाता है, कोई भी बंदा कोई भी बिजनेस बहुत आसानी से इंडिया में कर सकता है, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, ठीक है। सो मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स वगैरह हो गए। दिस इंक्लूड्स डीरेगुलेशन। देखो डीरेगुलेशन, पहले ऑफलाइन काम होता था ना, तो उसमें ज्यादा घूस लिया जाता था। अभी ऑनलाइन कर दिया तो कोई पता नहीं चलता कि कौन अप्लाई कर रहा है, कैसे अप्लाई कर रहा है। हाँ वो तो एक्चुअली डिजिटल कर दिया गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ वो भी एक तरीके से है। लिबरलाइजेशन तो उसके थ्रू भी आया ही है, टेक्नोलॉजी हाँ आया है को ला करके भी ज्यादा। आप लिबरलाइज कर रहे हैं। आप बहुत ही आसान तरीके से कोई भी काम अभी के टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, दिस इंक्लूड्स डीरेगुलेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर। देखो डीरेगुलेट किया गया, जिस चीज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल था उसको हटा दिया गया, डीरेगुलेट कर दिया गया, उसको बोलते हैं डीरेगुलेशन, है ना। हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको डीरेगुलेट कर दिया गया, रूल हटा ही दिया गया। क्या? सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर, जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अभी आपको लाइसेंस पाना है तो आप बहुत आसानी से पा सकते हैं। डिसमेंटलिंग ट्रेड बैरियर्स टू फॉस्टर अ कॉम्पिटेटिव बिजनेस एनवायरमेंट। जो ट्रेड बैरियर्स थे पहले के टाइम पे कि बाहर की कंपनीज इंडिया में आकर के इन्वेस्ट नहीं कर सकती, इंडिया की कंपनीज बाहर जाकर के बिजनेस नहीं कर सकती, इस तरह का ना बैरियर्स लगा हुआ था, तो उसको हटा दिया गया ताकि आप बिजनेस एनवायरनमेंट में ठीक तरीके से खुद को एज ए कॉम्पिटेटिव प्लेयर आप बना करके रख पाए। बी नंबर पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन में यही है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो अलाउ कर रही है कि प्राइवेट कंपनीज भी आकर के आपके गवर्नमेंट कंपनीज में, पीएसयूज में इन्वेस्ट कर सकती है। द गवर्नमेंट हैज अंडरटेकिंग द प्राइवेटाइजेशन फॉर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। देखो पीएसयू है ना, पीएसई या फिर पीएसयू आप बोल सकते हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर यूनिट एक ही चीज है, वहां पे वो लोग जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ताकि एफिशिएंसी बढ़े और प्रोडक्टिविटी बढ़े। गवर्नमेंट की कंपनीज बदनाम है इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं कि वहां पे जो है एफिशिएंसी से काम नहीं होता है, लेकिन जब प्राइवेट कंपनीज आ जाएंगी तो वो आपके परफॉर्मेंस को मेजर करेंगी। अगर आपका परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको सैलरी मिलेगा, अगर नहीं अच्छा होगा तो हो सकता है कि सैलरी कम भी हो जाए और आपको निकाल भी दिया जाए जॉब से।
गवर्नमेंट में कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी ने ज्वाइन किया और किसी को निकाल दिया गया? भले वो काम ना करे, उसको निकाला नहीं जाता है, राइट? लेकिन सही प्राइवेट सुकून सेक्टर में है। ऐसा नहीं है। तो जब भी प्राइवेटाइजेशन होगा तो ये एक डर रहेगा लोगों के अंदर कि आपको जो है, अगर आप ठीक तरीके से काम नहीं करोगे, आपकी सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है, ठीक है? तो ये है, दिस इंक्लूड्स स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग माइनॉरिटी स्टेक्स। देखो ये है ना, डिस इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, अपने स्टेक्स को बेच रहे हो, सेलिंग माइनॉरिटी स्टेक्स, पूरा नहीं बट थोड़ा थोड़ा करके आप सेल कर दे रहे हो। एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन सेक्टर्स ट्रेडिशनली डोमिनेटेड बाई पब्लिक सेक्टर। तो ऐसे इंडस्ट्रीज जहां पे पब्लिक सेक्टर का जो है बोलबाला ज्यादा है, वहां पे आप प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो भी आकर के कर सकते हैं। इंडिया में जब BSNL MTNL चल रहा था, उस टाइम पे प्राइवेट प्लेयर्स एक भी नहीं थे। बाद में एयरटेल आया, रिलायंस आया, टेलीनॉर आया जो यूनिनॉर था एक्चुअली, वोडाफोन आया, हच बिल्कुल आया, धीरे धीरे करके सारी कंपनीज को अलाउ किया गया कि आप भी जो है कम्युनिकेशन सेक्टर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन पहले सिर्फ BSNL और MTNL ही था। तो उस तरीके से ठीक है। सी है इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज। इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। आप ये तो मैं काफी बार बता चुका हूं, मैं वापस इसको रीड नहीं कर रहा। आप अगर बेहतर काम करोगे तो आपको जो इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आप रूरल इलाकों में अपने इंडस्ट्रीज को लगाओगे तो आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, टैक्स बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सब्सिडीज प्रोवाइड। सब्सिडी का मतलब है कि कोई सामान अगर 1,000 रुपए का है तो वो आपको सिर्फ 400 या 500 रुपए में मिल जाएगा। आपने सुना होगा कि इंडिया इंडियन गवर्नमेंट जो है, हमें गैस का जो हम लोग सिलेंडर खरीदते हैं उसके ऊपर हम लोगों को सब्सिडी मिलता है। पहले के टाइम पे सब्सिडी बहुत ज्यादा मिलता था, ठीक है? अभी तो 1,100 रुपए का गैस हो गया है, पहले के टाइम पे भी इसकी कीमत जो है ना वो 800, 900, 1,100 रुपए के आसपास ही थी, लेकिन हम लोग को गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती थी। अभी के टाइम पे यस लोग क्या कर रहे हैं, सब्सिडी अपना यस छोड़ भी दे रहे हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट प्रोवाइड भी नहीं कर रही है। अभी के टाइम पे सिर्फ 30 रुपए जो है सब्सिडी आता है। अगर आप 1,150 रुपए का सिलेंडर खरीद रहे हैं तो आपको सिर्फ 30 रुपए ही आपको बैंक अकाउंट में आएंगे। तो ये सब्सिडीज वगैरह जो है घटा दी गई है। लेकिन जब कोई बिजनेस लगाता है तो बिजनेस में वहां पे उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है कि चलो आपने 1 लाख का लोन ले लिया तो 1 लाख के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, सपोज 10,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट है, उसमें से आपको 6,000 में आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आपको सिर्फ इंटरेस्ट 4,000 ही पे करना है, इस तरीके से, ठीक है? ताकि उनको ओके एनकरेज किया जा सके। अगर आपको ऐसा सर, डील तो मिलेगा तो गवर्नमेंट ही लगभग आप भी सब्सिडी करोगे। प्रोवाइड क्या करती है सर? क्या रहे गवर्नमेंट ही सब्सिडी प्रोवाइड करती है ना? यस यस गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सो इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, प्रमोट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। अब जैसे मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट अब इंडिया के बाहर जाकर के बिके, तो मुझे अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना होगा। पर मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं अगर बाहर पैसे भेजूंगा, बाहर अगर अपने सामान को भेजूंगा तो मेरा बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो मेरे इस डर को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है तुम हमसे लोन ले लो, लेकिन जितना लोन ले रहे हो उसका सिर्फ तुमको 80% या 90% ही मुझे चुकाना है, बाकी तुमको नहीं देना होगा, ठीक है? ऐसा तो ऐसी भी चीजें होती हैं। ओके एनकरेज R&D एंड सपोर्ट साइंटिफिक इंडस्ट्रीज और रीजन्स, है ना? ये चीजें हो गई। दीज इंसेंटिव्स में इंक्लूड टैक्स कंसेशन। अभी ये इंसेंटिव्स में क्या क्या आ गया, टैक्स कंसेशन आपको मिल जाएगा, जितना आपको टैक्स पे करना चाहिए उतना आपको नहीं पे करना है, आपको कम पे करना है ना? फाइनेंशियल असिस्टेंस, आपको पैसों की जरूरत है वो आपको दे दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स, जो इंटरेस्ट रेट्स है जो आप लोगे उसके ऊपर मान लो 10% 12% का इंटरेस्ट नॉर्मली होता है, पर आपको गवर्नमेंट ने कम में प्रोवाइड कर दिया, आपको सिर्फ 6% में ही प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? सो दीज आर द कंसेशंस और इंसेंटिव्स जो कि है लोगों को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने बिजनेस को और बेहतर कर पाए और उनको अट्रैक्ट किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा करें और, ठीक है? एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ये सारी चीजें की जाती है। तीन नंबर पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है? तो एक तरीके से जो मैंने बताया ना अभी सप्लाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अब जब किसी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया जाता है तो उस इलाके को ठीक तरीके से डेवलप किया जाता है, वहां की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को बहुत ही बेहतरीन बना दिया जाता है, क्योंकि वहां पे कोई भी डॉक पे जब कोई भी जहाज उतरेगा तो उस जहाज को तुरंत खाली करना, प्लस उस जहाज पे अगर कुछ चढ़ने वाला है तो उसको वापस से चढ़ाना, ये सारी तरह की जो चीजें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ती है वो वहां पे बहुत बेहतरीन हो जाता है। वही बात देखो यहाँ पे बोला गया, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, पावर सप्लाई। अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्पेशल पावर सप्लाई है, वहां उसका अलग से मतलब सिस्टम रहता है।
लॉजिस्टिक्स, सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के जो इस्तेमाल होता है दैट इज लॉजिस्टिक्स। एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो बहुत होता है, इज क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, है ना। ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है और ये चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं जब वो लोग किसी जगह को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर देती हैं। ठीक है, ये होता है। द गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग एंड अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड अ रोबस्ट फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर रही है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े यू नो वेयर हाउसेस बना दे रही है कि आप अपने यहाँ बिजनेस को यहाँ पे बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। ई नंबर है स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, तो इसके ऊपर काम अभी बहुत चल रहा है। स्किल इंडिया नाम करके एक जो है एक प्रोग्राम भी चल रहा है जहां पे लोगों को डिफरेंट स्किल्स सिखाई जा रही है, दैट टू ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्च नहीं देना, आपको बस खुद को एनरोल करना है और आप जाकर के वहां पे फ्री में वो स्किल सीख सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। लेकिन आपको पता करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की वो एजेंसीज जो जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहाँ है ना। ये कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। द प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अब कई बार ऐसा नहीं है कि एकदम फ्री होता है, कई बार चार्जेस होते हैं लेकिन बहुत ही कम चार्जेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई, सपोज आप वोकेशनल ट्रेनिंग में जैसे कि फिटर हो गया या वेल्डर हो गया, ये मैं थोड़ा सा जो फिजिकल वर्क है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, या सपोज आपको एमएस वर्ड सीखना है, एमएस एक्सेल सीखना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना है, तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग में आ जाएगा मान लो। तो इसको करने के लिए आप अगर प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो बहुत पैसे डिमांड करेंगे वो लोग। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी के पास जाओगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के पास जाओगे, तो वहां फ्री में हो जाएगा आपका, या बहुत कम प्राइसेस लगेंगी। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है काफी ज्यादा खर्च कर रही है। यहाँ पे देखो लिखा भी है, दिस इंक्लूड्स इनिशिएटिव सच एज द स्किल इंडिया, ठीक है, स्किल इंडिया मिशन एंड कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स टू डिजाइन इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। लोगों को वो सारी चीजें सिखाना जो इंडस्ट्री में जरूरत है। हम लोग कई बार ऐसी चीजें सीख रहे होते हैं जिसका इन फ्यूचर जाकर के कोई यूज है ही नहीं, तो इंडस्ट्री में तो वो काम नहीं आएगा। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, अगर आपको उस इंडस्ट्री का काम नहीं आता होगा तो आप वहां सर्वाइव नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है कि हर एक इंडस्ट्री के ओरिएंटेड, इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो है स्किल प्रोग्राम्स चला रही है और लोगों को ट्रेन कर रही है ताकि वो चीजें कर सके। अच्छा, लेक्चर ना खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब खत्म हो ही गया है, सिर्फ दो ही पैराग्राफ है, कर देते हैं, लेकिन ये कभी भी बंद हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 1 मिनट का है। सो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फटाफट करा देता हूँ। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब यही हो गया कि जो टेक्नोलॉजी आपके पास एग्जिस्टिंग है, जो मशीन आपके पास अभी है, आप उसको बदल करके जो नया जो करंट टेक्नोलॉजी है आप उसका यूज करेंगे, है ना। आरएनडी को एक तरीके से प्रमोट करना, आरएनडी एक्टिविटीज करना, जो इनोवेशन है उसको सपोर्ट करना। अगर कोई बंदा कुछ बना रहा है तो उसको एनकरेज करना, उसको पैसे प्रोवाइड करना ताकि वो और बेहतर चीजें कर सके, एक बेहतर इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जा सके इनोवेशन के ऊपर। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिसर्च ग्रांट्स देती है, इंसेंटिव देती है, टेक्नोलॉजिकल पार्क्स बनाती है, टेक्नोलॉजी पार्क जहाँ पे आप बैठ करके इत्मीनान से, जैसे कि विप्रो का जो ऑफिस है या फिर इंफोसिस का जो ऑफिस है, वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी पार्क्स में है ना। उन्होंने क्रिएट करके रखा है उस तरीके का कि वहां पे जो है आप